तीसरा ये बताना, ये सवाल किया था क्या, एक ब्लॉक है एम मास का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मुझे ध्यान नहीं ये सवाल किया है कि नहीं, और इस पे एक फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मूव कराना है, क्योंकि ये ट्रिकी सवाल है, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, तो मेडिकल में आ सकता है, इसलिए मैं ही करा रहा हूं। यू हैव टू अप्लाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक मूव कर जाए। करवाया क्या फर्स्ट लेक्चर में? नहीं कराया। Find minimum force required to move the block. कोई कहेगा कि सर इस पे एक फोर्स हम F लगाते हैं इधर, F किसी ने कहा कि अपने मन से अजम कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाते हैं, दिस केस एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन यहां पे एम जी हो जाएगा। कोई कहेगा कि मैं इधर क्यों, मैं क्या करता हूं, मैं इधर फोर्स लगाता हूं, कोई अगर इधर लगाया केस टू, वर्टिकल डायरेक्शन, सो कितना एफ रिक्वायर्ड होगा? सिर्फ एमजी लगाइए, सीधे रेज हो जाएगा, ऊपर मूव हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ये दिया नहीं है कि किस डायरेक्शंस में लगाएं, तो मैं अपने मन से चूज करना है कि वो डायरेक्शंस ले जिसमें ये मिनिमम हो। तो क्या ये यही कोई दो केस होगा, या थर्ड केस में ऐसे लूं कि मैंने एफ इधर लगाया, इन दिस केस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो इस केस में एफ मिनिमम क्या होगा? तो थर्ड केस का मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको मूव कराने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाए, फ्रिक्शन के बराबर, स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, जस्ट स्लिप का दाम म्यू इनटू एन, एन कोई बता सकता है कितना होगा, इज इट एमजी या एमजी माइनस समथिंग, तुम तो न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, F cos theta, F sin theta. So इधर N और इस डायरेक्शन में F sin theta और इधर नीचे mg. तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो N ये आ जाएगा, और इस केस में F को ले आ जाओ, इधर लेके आ जाओ,
मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। F कॉमन ले लिया, cos theta प्लस mean sin theta that is equal to mu mg. So F minimum is equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta. ये है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, टू मूव द ब्लॉक इफ फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल थीटा। एंड यू कैन फाइंड कि दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा अगर अलग लेंगे ये एफ अलग होगा, मतलब अगर सब में मिनिमम ढूंढना है तो हमें वो थीटा ढूंढना है जिसमें ये सबसे मिनिमम हो, मतलब किस थीटा के लिए ये क्वांटिटी मिनिमम है। आ रही बात समझ में? अगर कोई कहेगा सर थीटा जीरो ले लिए, जो पहला केस था, तो उस केस में थीटा जीरो ले लो, कॉस जीरो वन, ये जीरो, तो म्यू एम जी ये आ गया। किसी ने थीटा 90 ले लिया तो ये आ जाएगा, थीटा 90 ले लिया तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये म्यू कैंसिल, एम जी बच गया। क्या इसी दोनों में से कोई आंसर है या कुछ और होगा? सो देखो मिनिमम एफ क्या होना चाहिए, सबसे मिनिमम होने के लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये जो टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए। और हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था एमबी बैच और एमआर बैच को तो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। ये फॉर्मेट कुछ याद होगा तुम्हें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको हमने कुछ लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट साइन थीटा प्लस समथिंग फाइव, जहां पे मैंने बताया था टैन फाइव जो होता था वो होता था बी बाई ए। इसका मतलब नहीं है ये क्वांटिटी मैक्सिमम कितना होगा, तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम कितना होता था बिकॉज इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वन। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है, इतना, तो ये भी तो यही फॉर्मेट है, तो इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू विल बी कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस वन का रूट। सो ये जब मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम, सो एफ मिनिमम ओवरऑल। मेडिकल वाले तो कम से कम याद कर लो ये। एंड यू कैन सी दैट दिस इज, दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन, सो ये mg से भी कम है और म्यू mg से तो कम है ही। सो ये जो पहला दो केस लिया था उससे भी कम है, एंड दिस इज द ओवरऑल लिस्ट वैल्यू। तभी मैं समझा रहा था कि ये मिनिमम कितना होगा, तो वो आ गया ये
अगर सवाल ये पूछ दे कि वो कितने एंगल पे लगाए कि मिनिमम होगा, तो मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, मैक्सिमम नाम पढ़ा है, ये क्वांटिटी मिनिमम होने के लिए डी वाई बाई डी थीटा शुड बी जीरो, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम के लिए, तो आ जाएगा टाइम थीटा इज इक्वल टू म्यू, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टाइम इनवर्स म्यू पे लगाओगे तो फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम। बच्चों नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट लेक्चर में शायद नहीं लिया था, ये इंक्लाइन प्लेन पे ये फिक्स्ड है, डायग्राम ड्रॉ करो और ये जो मैंने दिया थीटा इज मोर देन टैन इनवर्स म्यू, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, स्लिप हो रही है, कैपिटल एम अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता, कैपिटल एम को ऐसे रखेंगे तो कैपिटल एम विल स्लाइड डाउन, फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं है इसको रोक के रखने के लिए। ठीक है, कैपिटल एम का टेंडेंसी है नीचे जाने का भी। अब देखो ये स्मॉल एम लगा दिया तो ये टेंशन ऊपर लग के इसको रोक के रख सकता है, अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तब तो स्लाइड करता, लेकिन अगर स्मॉल एम का वैल्यू इस बहुत छोटा हो तो हो सकता है ये नहीं रोक पाए, ये स्लाइड कर दे। सवाल ये है फाइंड, इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी, बी का कम से कम कितना मास हो कि कैपिटल एम स्लाइड ना करे, कैपिटल एम नहीं करेगा तो स्मॉल एम भी नहीं करेगा। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें, तो जब भी ये मैक्सिमम मिनिमम ऐसे पूछ रहा है क्रिटिकल सिचुएशन में पूछता है तो फ्रिक्शन फोर्स हम कितना लगाते हैं, लिमिटिंग लगाएंगे। So, इसका एबीडी ड्रॉ कर रहा हूं कैपिटल एम का, अच्छा ये ब्लू कलर दिखता है क्या तुम लोगों को, वो व्हाइट ही दिखता है, अच्छा व्हाइट ही दिखता है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन मैं अप द इंक्लाइन लू या डाउन द इंक्लाइन लू, अप द इंक्लाइन लूंगा बिकॉज इसका भी टेंडेंसी है नीचे जाने का, ये तो बस रोक के रखने के लिए कैपेबल है, फ्रिक्शन का भी हेल्प चाहिए, सो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा स्मॉल एफ, सिस्टम रेस्ट में है, एंगल थीटा है, बताओ क्या लिखूं, कैपिटल एम जी, कैपिटल एम के लिए इक्वल टू टी माइनस टी माइनस एफ दैट इज इक्वल टू जीरो, या एम जी साइन थीटा इक्वल टू टी प्लस एफ, कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस टी
एफ को इधर ले लेते हैं, एफ कितना लिखूं मैं, म्यू एन जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। स्मॉल एम के लिए अभी ड्रॉ करते हैं, ये भी रेस्ट में है, इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। अब ये वैल्यू पुट कर दोगे, मुझे स्मॉल एम निकालना था, ये क्या लिख दिया था, एम जी साइन थीटा दो बार लिख दिया था, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, दैट मीन्स स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, ये साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा छोड़ दिया, स्मॉल एम साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हो गया बच्चों एम मिनिमम। हमने यहां पे डेटा नहीं दिया है, अब एग्जाम में तुम्हारा टेस्ट लूंगा तो मैं कैपिटल एम का 5 केजी कर दिया इसका कुछ कर दूंगा, एंड वी विल आस्क क्वेश्चंस। कोई कहेगा स्मॉल एम का वैल्यू बढ़ा दो, इस वैल्यू से थोड़ा सा बढ़ा दिया, स्मॉल एम का वैल्यू अगर बढ़ा दिया है थोड़ा सा है तो टेंशन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन अब लिमिटिंग लगेगा या लिमिटिंग से कम लगेगा, इस वैल्यू से थोड़ा बड़ा कर दिया, लिमिटिंग अब नहीं लगेगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगेगा, बिकॉज एम जी साइन थीटा नीचे जाना चाह रहा है, ले जाना चाह रहा है, टी उसको रोक के रख रहा है, टी बढ़ गया तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत कम पड़ेगी, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, और एम बढ़ाओगे और बढ़ेगा, जिस समय एम का वैल्यू ना टी एम जी के बराबर होगा जब तक रेस्ट में, जब स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम साइन थीटा हो जाए तो ये टेंशन एम एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा और फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दिस केस फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो, लेकिन ये सेकेंड केस ले रहा हूं, अगर स्मॉल एम का वैल्यू कैपिटल एम साइन थीटा से ग्रेटर हो गया, कैपिटल एम साइन थीटा से बढ़ गया इसका वैल्यू, ये ज्यादा हो गया तो ये चाह रहा है कि नीचे मूव करे, टी इस एम जी साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा तो इसका टेंडेंसी अब ऊपर मूव करने का होगा, तो अब फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका वैल्यू और बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, बिकॉज इसका ऊपर मूव करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। अब तुम समझ सकते हो कि मैं नेक्स्ट सवाल क्या पूछने वाला हूं, इस एम का मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करें कि ये कैपिटल एम अभी भी रेस्ट में रहे, उससे ज्यादा पुट कर देंगे तो कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा। सो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास बी, मैक्सिमम मास बी सो दैट ए विल रिमेन एट रेस्ट। चेंज क्या आ जाएगा, अब फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो अगर देखोगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा, तो मिनिमम के जगह अगर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं रेड कलर से लिख रहा हूं तो सिर्फ यहां पे प्लस हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। चलो छोटा सा सवाल ले रहा हूं, ये एम ब्लॉक को ना एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया, जैसे
देखो ये डस्टर्ड है और इसको मैं अभी ऐसे होल्ड करके रखा, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे पुश कर रहा हूं। बच्चों मैं फोर्स तो इधर लगा रहा हूं, इस पे mg का फोर्स नीचे लग रहा है, इसका टेंडेंसी होगा नीचे स्लाइड करने का। क्या ये ब्लॉक रेस्ट में रह पाएगा या रेस्ट में नहीं रह पाएगा? इसका टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने का, तो ये F ऊपर लगेगा। म्यू क्या है सर? म्यू इज इक्वल टू दे दिया मैंने 0.4। Whether the block will remain at rest or it will move, it will slide down. तुम्हें बताना है। अपूर पाटिल ने बताई स्लाइड डाउन। श्रीनिवास क्या होगा? स्लाइड करेगा, बहुत बढ़िया। देखो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे एन कितना होगा? एन का भी वैल्यू होता है 10 न्यूटन होगा, और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा? मैक्सिमम निकालते हैं पहले, म्यू इंटू एन। म्यू इज 0.4, एन इज 10 न्यूटन। फोर न्यूटन का फोर्स लगा, ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए एफ रिक्वायर्ड कितना है? 20। बहुत बड़ी, एफ रिक्वायर्ड विल बी एम जी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी, 20 न्यूटन। एक्सेलेंट, मैक्सिमम 4 न्यूटन लगेगा। क्या ब्लॉक रेस्ट में रहेगा? एफ मैक्सिमम जो है वो लेस है एफ रिक्वायर्ड से। राज, राज यही रे, क्लियर हुआ क्या ये? एफ मैक्सिमम 4 न्यूटन है, एफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट 20 है, दैट मीन्स ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, और कितना हो जाएगा एफ? 4 न्यूटन। अगर मैं कैपिटल एफ का वैल्यू 50 न्यूटन कर दिया, कोई बताएगा फ्रिक्शन कितना लगेगा? बच्चे तुम लोग मैसेज करो कितना लगेगा। सो म्यू का वैल्यू 0.5, 2 केजी का ब्लॉक है, 37 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं। अभी देखो फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ऐसे प्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ा प्रेस भी कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी लगा रहे हैं इस एंगल पे। So, बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स इस केस में क्या होगा, कौन बताता है?
एनी आंसर इस सवाल का? सर 8 न्यूटन। एफ का वैल्यू 8 न्यूटन बता रहे हैं। स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा स्लाइड करेगा? नहीं करेगा। करेगा सर, मतलब देखो कुछ बच्चे स्लाइड करेगा कुछ बच्चे नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो देखो इस एफ का ना दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। तो ये कंपोनेंट अगर डिस्कस करें तो इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में 20 cos 37। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो आ जाएगा एन 20 cos 37 आ जाएगा। 20 × 4/5 = 16 newton। ये भी एन ये भी एन, तो ये न्यूटन और ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, कंफ्यूज मत करना। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज एफ मैक्स, एफ लिमिटिंग, कहोगे 0.5 × n। 0.5 × n कितना है 16, दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब इसको रोक के रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड कितना है? So, इस ब्लॉक पे फोर्स देखो 20 नीचे और इस एफ का कंपोनेंट साइन थीटा, एफ एम जी प्लस साइन ये, तो इस एफ का जो ये कंपोनेंट होगा 20 × 3/5 दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा 20 नीचे 12 ऊपर, दैट मीन्स 8 न्यूटन। समझा क्या? एट न्यूटन एफ रिक्वायर्ड है और एफ मैक्सिमम भी कितना आया 8 न्यूटन, दैट मीन्स जस्ट सफिशियंट है इसको रोक के रखने के लिए, जस्ट सफिशियंट है। तो तुम्हारा आंसर्स करेक्ट है, लेकिन अगर मैं यहां पे देता म्यू इज इक्वल टू 0.6 इसी सवाल में, म्यू इज इक्वल टू 0.6। अब मैं फ्रिक्शन फोर्स पूछूं कितना होगा, म्यूज का जो 0.6 दे दिया, बाकी सारा डेटा वही रखा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 9.6 या 8 रहेगा। समझ में आ रही बात? अगर ये 0.4 दे दिया व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स? 8। एट होगा या 6.4 न्यूटन होगा? हाँ 6.4 न्यूटन होगा, स्लाइड करेगा। सो ये सवाल क्लियर हुआ क्या? डिफरेंट डिफरेंट केस देखो, एक ही सवाल में कितने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, कितने सवाल बन सकते हैं, मतलब मुझे टेस्ट लेना कितना आसान होगा फ्रिक्शन पे, हम कुछ भी सवाल ऐसे बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो तुम बहुत इजिली सॉल्व कर लोगे। देखो ये तो डायग्राम में कोशिश किया बनाने का, ये देखो ये लाइन दिखाई, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल है, एक ब्लॉक है, और मैं समझाना ये चाह रहा हूं इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगा रहा हूं, एक ऐसे, इसको मैंने F1 से डिनोट किया दैट इज 100 न्यूटन ऐसे लगा रहे, और एक दूसरा ऐसे लगा रहे, ऐसे 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 F2।
दो फोर्स लगाने बच्चों, F2 का वैल्यू 20 न्यूटन, मास दिया हुआ 2 केजी, G का वैल्यू 10 ही लेना है, म्यू का वैल्यू 0.5 दे दिया है, अब मुझे ये बताना है इसमें कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वन, डायरेक्शन टू या किसी एंगल पे डायरेक्शन थ्री, इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये थोड़ा सा सवाल जो है टफ है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर टफ है। तो एक लास्ट लेक्चर में मुझे लगता है मैंने ये बताया था, मेंशन किया था कि जब भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है बच्चों, तो मान लो कि वो सरफेस फ्रिक्शनलेस और देखो कि वो मोशन कैसा है, किधर जा रहा है, तो जैसा रिलेटिव स्लिपिंग होगा उसको जस्ट अपोज करेगा, आपको ही डायरेक्शन लगेगा। अब बताना अगर किसी ने इस ब्लॉक पे सिर्फ ऐसे फोर्स लगाते और फ्रिक्शनलेस होता तो ये नीचे आता, लेकिन इस ब्लॉक पे अभी हम ऐसे भी फोर्स लगा रहे हैं और ऐसे भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर के कारण इधर जाएगा और एमजी कारण नीचे आएगा, सो दिस विल गो लाइक दिस। सो ये इसका एक्सेशन इधर भी होगा बिकॉज ऑफ एफ टू, इधर भी होगा बिकॉज ऑफ एमजी, मतलब ब्लॉक अगर फ्रिक्शनलेस होता तो इधर जाता, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। एम आई राइट? यस यस सर। यस तो अब बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना लगेगा, फाइंड एफ, वेदर दिस इज स्टैटिक और काइनेटिक और डायरेक्शंस तो हमने बता दिया, तो इसके लिए क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, सबसे पहले एफ मैक्स निकालते हैं और देखो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। कृष्णा सिंह, कृष्णा बताओ क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, आज महक नहीं क्लास कर रही है, एफ मैक्सिमम कृष्णा सिंह कितना होगा, चलो आवाज नहीं जा रही है शायद कृष्णा के पास। निसर्ग, व्हाट विल बी मैक्सिमम एफ, कोई नहीं आंसर दे रहा, म्यू इनटू एन 100, कितना आसान सा सवाल है यार, व्हाट इज एफ रिक्वायर्ड, मतलब रोक के रखने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, मतलब 20√2 इधर और 20 इधर, F2 भी 20 न्यूटन लग रहा है, मतलब इस पे जो इसको मूव कराने वाला फोर्स है, जो स्लाइड कराने वाला फोर्स है वो 20 है या 20√2 है, 20√2 लगभग कितना हो जाएगा, 28.something न्यूटन के आसपास,
F मैक्सिमम कितना है 50 न्यूटन, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 20 रूट 2 न्यूटन लगेगा। काजल तुम्हारी दोस्त कहाँ रह गई? मैं दो ब्लॉक लेता हूं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लेना। देयर आर टू ब्लॉक यहां पे, अभी आसान सवाल दे रहा हूं, म्यू जीरो और यहां पे म्यू है। देखना कंडीशन क्या है इसमें, दोनों को साथ साथ मूव करना है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना है। M1 ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे मोर विल बी द एक्सेलरेशन। Why M2 ब्लॉक विल एक्सेलरेट? Which force is responsible to accelerate the M2 block? Friction. लेकिन frictions का limitation है, zero से F limiting तक लग सकता है, तो M2 के acceleration पे भी limitation होगा, होगा कि नहीं? एक value से ज्यादा उसका acceleration नहीं होगा, because सिर्फ friction ही है उसको accelerate कर रहा है। So there will be limitation of acceleration of M2 block. What is maximum acceleration of M2 block? M1 अगर accelerate करेगा तो M2 को भी साथ ले जाएगा, M2 पे friction आगे लगेगा जबकि M1 पे friction पीछे, you know the direction. F max divided by M2. F max कितना होगा? Mu into N upon M2. N यहाँ पे हो जाएगा M2G upon M2. अब
सवाल आता है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी है, साथ साथ मूव करना है तो एम वन का भी कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम कर सकते हैं टू मूव टूगेदर? म्यू जी. दैट मीन्स टू मूव टूगेदर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख देते डायरेक्टली. UG आ गया है ना, जिस पे लिमिटेशन है उसी को रेफरेंस लेंगे, उसी को देख के करेंगे. अब बताना जब हम इस दोनों को सिस्टम ले लेते हैं, यहां पे फ्रिक्शन है जीरो, यहां पे फ्रिक्शन है जीरो, तो इस ब्लॉक पे सिस्टम पे एक ही फोर्स है F. तो F is equal to ये internal force M1 plus M2. M1 plus M2. Mu G. Maximum की बात कर रहे हैं. तो A maximum लूँगा to move together. A maximum is mu G. So answer is M1 plus M2 into mu G. बता ये test में पूछ दिया तो तुम तो 5 सेकेंड में टिक करके सॉल्व कर लोगे इसको. 5-4 marks आ जाएगा. देखो बच्चे 40 से घट के हो गए 36. पहला केस में M1 पे फोर्स लगाया, अभी M2 पे फोर्स लगा दिया. पूछा कि फाइंड मैक्सिमम F सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर. चलो मुझे लगता है ये सबसे सॉल्व हो गया होगा, पता नहीं मुझे सही लगता है कि नहीं. क्या स्टेप्स किया था बताओ, किसमें किसके एक्सेसर पे लिमिटेशन होगा, M1 पे या M2 पे? M1. M1 पे. देखो ये M2 अगर ये फ्रिक्शन रेस लेते हैं तो M2 इधर एक्सेट करता है, M1 रेस में रह जाता, फ्रिक्शन है तो M1 को भी साथ ले जाएगा. M1 पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, M2 पे फ्रिक्शन पीछे. सो लिमिटेशन M1 पे है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M2, सॉरी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ M1, F max डिवाइडेड बाय M1. F max क्या होगा, म्यू इनटू N डिवाइडेड बाय M1. यहां पे बताओ N क्या होगा, M1g या M2g? M2g. M2g यही मेन चीज है. तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो साथ साथ मूव करने के लिए M2 का भी यही होना चाहिए, सिस्टम का ही होना चाहिए. सो F max इज इक्वल टू M1 प्लस M2 टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन म्यू M2g डिवाइड बाय M1. दिस इज योर आंसर. आज ये सवाल सीख लिया, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो मतलब कुछ सीखा, ये आ सकता है मेडिकल में आ सकता है. ये देखो बस ये मस्ती के लिए ले लिया कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अभी बैठे हुए हैं सामने कंप्यूटर के, और मुझे मैसेज करो, सारे बच्चे मैसेज करो, मुझे पता चलेगा सही में उतने बच्चे बैठे हैं, बाकी मस्ती कर रहे हैं. यार इसमें तो क्या कहा, मैक्सिमम एफ निकालना है कि साथ साथ मूव करेगा. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स कितना हो जाएगा, एफ मैक्स बाई 5 kg 0.4 × 4 यू एन.
दिस इज योर आंसर. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 32 इंटू 9 बाई 10. मान लो वैल्यू में पुट करना है तो ऐसे कर लो 28.8 न्यूटन. ज्यादातर बच्चों ने ये लिखा है बट बहुत सारे बच्चों ने अलग आंसर भी दिया है, मतलब वो नहीं पढ़ रहे मैं. और बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस में दे दिया हूं, और ये लास्ट सवाल है आज का, यही लास्ट है, उसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा. हालांकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों ये मेडिकल लेवल से ऊपर तक का है. म्यू वन इज 0.4, म्यू टू इज 0.3. चैतन्य ने कहा सर यहाँ भी म्यू रहेगा तो क्या होगा, तो बस मैं ऐसे सवाल ले लिया. कैपिटल एफ का वैल्यू कुछ दे रहा हूं, केस वन में 10 न्यूटन. समझना इसको, 10 न्यूटन है. क्या ये 4 केजी ब्लॉक को मूव करा पाएगा 10? मैं यहां पे F1 मैक्स निकालता हूं. जीरो पॉइंट फोर इंटू सिक्स. हाँ बहुत बढ़िया, 6 G दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन. मतलब अगर कैपिटल F 10 न्यूटन है तो ये 4 केजी मूव नहीं करने वाला, फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, लिमिटिंग भी नहीं, स्टैटिक लिमिटिंग से कम. कितना लगेगा F1? 10 न्यूटन. Am I right? Yes, sir. अब बात करते हैं F2 का. ये कोई बता दिया तो मैं बहुत खुश होऊंगा. Anyone? जिसको आ रहा दिल में जो आ रहा बता दो, हो सकता है सही हो जाए. साक्षी पाटिल. कोई तो बता दो. स्नेहा ने कही लास्ट में कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, मेथड वाज करेक्ट, गुड, कैलकुलेशन मिस्टेक सुधर जाएगा. लेफ्ट में मूव करेगी ना ब्लॉक. मैंने पूछा इसके बीच में, पहले बता दो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा. 2 केजी पे फ्रिक्शन राइट लगेगा या लेफ्ट लगेगा. ये हिंट है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये बताने के लिए. F2 क्या होगा, कोई तो करेक्ट आंसर देखो बताओ. अभी तक 11 आंसर आए हैं और ऑल आर रॉन्ग आंसर्स. और मुझे पता है 2-4 बच्चे होंगे जिनको आता होगा बट वो नहीं जवाब दे रहे हैं. मैंने इसको फ्रिक्शन प्लेस मान लिया, इस पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स. ये ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, क्या जा पाएगा? नहीं, दूर सर, क्योंकि ये F1 यहाँ बैठा कहेगा जाने नहीं देंगे यार. तो ये जब आगे जाएगा ही नहीं तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव स्लिपिंग होगा क्या, टेंडेंसी होगा क्या? नहीं, फिक्सर तो भी दोनों रेस्ट में है, दोनों साथ साथ बैठा है, ये काम कर रहा फिक्सर. तो फिक्सर फोर्स बताओ F2. जीरो. बताओ क्यों नहीं आ रहा था इससे पहले, इतना हिंट दिया. अगर मैं कह दूं F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, F1 20 न्यूटन, F2 जीरो. अगर मैं कह दिया 30 न्यूटन, what is F1?
F2 जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। अब देखो ये F जो है ना इसको पुल कर लेगा, इसको खींच लेगा, ये दोनों मूव करेगा। अब ये दोनों साथ साथ भी मूव कर सकता है या रिलेटिव स्लिपिंग भी हो सकता है? रिलेटिव स्लिपिंग होगा, लेकिन यहाँ भी फ्रिक्शन है ना, हो सकता है कि ये इतना फ्रिक्शन है कि साथ साथ मूव करे, हो सकता है कि सफिशिएंट ना हो रिलेटिव स्लिपिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें निकालना है। सो वी विल लर्न कि हाउ टू फाइंड। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस 2 केजी पे किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट या राइट, तो फ्रिक्शन लेस मान लोगे तो इस पे 30 लग रहा है, इधर 24, तो ये आगे जाएगा, इसका एक्सेशन आगे है, तो ये चाहेगा 2 केजी को भी साथ ले जाने के लिए, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। Am I right? Yes, sir. ठीक, तो 5 मिनट और पढ़ाएं कि छोड़ दें? तो कोई नहीं बोलेगा, क्यों अपना नाम खराब कर गया है ना, सबके मन में है कि सर छोड़ दो, बहुत हो गया। पढ़ाओ सर। डाउट है? बच्चों बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जितना मैं सोचा था उतना पढ़ा देता हूँ, बस 5 मिनट भी नहीं लूंगा, 3-4 मिनट लूंगा, जिससे कि पिछला सवाल में कितना फोर्स लग गया वो निकल जाएगा। देखो ऐसे सवाल सॉल्व करने का तरीका तो बहुत होता है, बट मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं। चलो कहीं से आवाज आ रही है, स्नेहल महाजन अनम्यूट, मैं तुम्हारा म्यूट कर लो। देखो इस टाइप के सवाल में देखो मैंने ऐसे एक वैल्यू दे दिया, इस पे भी कुछ लगा सकते हैं, इसमें भी कुछ लगा सकते हैं, सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, वन वे बता रहा हूं कैसे करना। मुझे निकालना है कि इसके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है। तो दिक्कत ये है बच्चों कि मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग है कि नहीं, मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक लगेगा, यही डिसाइड करना। अगर हमें जहां पे कहीं पता चल गया कि फ्रिक्शन इज काइनेटिक तो बहुत ही आसान होता है म्यू एन, स्टैटिक लगेगा तो वो मुश्किल होता है, वो कितना लगेगा। और यहाँ पे तो मुझे डिसाइड करना है सबसे पहले कि कौन सा है। समझे बात, समझ में आया ये बात? मुझे नहीं पता है कि रिलेटिव स्लिपिंग है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं, लेट या सपोज मैं मान लिया, लेट द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, दैट मीन्स देयर विल बी कॉमन एक्सेलरेशन। अगर साथ साथ मूव करा तो एक्सेलरेशन कॉमन होगा, तो वो कितना होगा, ये अगर एजम्पशन लिया तो जब साथ साथ मूव करा तो इसको सिस्टम लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 35 इक्वल टू 7 इंटू ए,
बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, तो ये आ गया. अब तुम ये देख सकते हो कि इसमें एक्सेशन पे किस पे लिमिटेशन है फ्रिक्शन फोर्स का, वो 3 kg पे है. फ्रिक्शन में कोई एकदम से रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ेगा. तो 3 kg को एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है. अगर साथ साथ मूव करना है तो इसका एक्सेशन होना चाहिए 5 होना चाहिए. तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायर्ड है 3 kg पे, देखो ऐसे वर्ड में लिखता हूं, F रिक्वायर्ड ऑन 3 kg ब्लॉक. इसको मूव करना साथ साथ तो ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, मास है 3, 5 से मूव करना एक्सेलरेशन से, तो इसको 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए. लेकिन इसके बीच में कितना फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, एफ मैक्स, म्यू इनटू एन. एटीन मैक्सिमम लग सकता है और जरूरत है 15 का. क्या होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक. स्टैटिक. और हमारा एजम्पशंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट. करेक्ट है बिकॉज हमने साथ साथ कहा है मूव करने के लिए स्टैटिक लगेगा, तो फ्रिक्शन विल बी एज F max is greater than F required, so no relative slipping, frictions will be kitna ho jayega 15 newton aur blocks will move together. Samjha kya? अब इस पे ना मैं 50 सवाल करा सकता हूं. कितने सवाल, बहुत सारे वैरायटीज होंगे. मैं कुछ इस पे भी फोर्स लगा दिया, इस पे भी 5 newton का सपोज फोर्स लगा दिया. अब मैं पूछूं कि फ्रिक्शंस कितना लग रहा है, तो फिर से वही मेथड जाएंगे. ये दोनों पे टोटल फोर्स कितना हो गया 40, तो एक कॉमन कितना हो जाएगा, तो यहां पे कर दोगे 40, सो एक कॉमन आ जाएगा कितना 40/7. एफ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एफ मैक्सिमम तो यही रहेगा. एफ रिक्वायर्ड कैसे करोगे, तो कहो सर इस ब्लॉक का जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इधर एफ बी और फाइव बी है, तो F प्लस 5 दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. F रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 40/7 और -5. अब ये देखोगे F रिक्वायर्ड F मैक्सिमम से क्या है, अगर ये ज्यादा है तो स्लिपिंग हो जाएगा, अगर 18 से ये कम है तो स्लिपिंग नहीं होगा. समझा क्या?